सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। दोस्तों आज सभी क्लास 9th टू 11th के बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। गाइज अपडेट ये आ रहा है कि जो पेरेंट्स की यूनियन है, जिन्होंने काफ़ी दिनों पहले जो स्टेट मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है और जो इंडिया के पीएम है, प्रेसिडेंट है, हर किसी को लेटर शेयर किया था मेल के जरिए, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट पास की है। उनका कहना है कि अगर इंडिया के अंदर सभी स्कूल्स ऑप्शन नहीं देते बच्चों को और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होता, बच्चों को फोर्स किया जाता है कॉन्टीन्यूसली, तो वो सभी यूनियन, पेरेंट्स यूनियन जो उनकी ब्रांच है सभी स्टेट्स के अंदर, सभी मिलकर धरना देगी, मतलब सब प्रोटेस्ट करेगी एक साथ आकर स्कूल और स्टेट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों से ना पूछा जा रहा है, ना बच्चों का ओपिनियन लिया जा रहा है, ना ही पेरेंट्स का ओपिनियन लिया जा रहा है, सिर्फ मोनोपोली मार्केट बना के तानाशाही करके उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है कि आपको फेल कर देगी। पेरेंट्स ने ओपनली कहा है कि गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेगी तो पेरेंट्स को ही एक्शन लेना पड़ेगा। गाइस ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ आर्टिकल आ रखा है आज मॉर्निंग के न्यूज़पेपर के अंदर और जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी पूरा आर्टिकल शेयर कर रखा है मैंने, वहीं से ये न्यूज़ मिली मेरे को। तो गाइस देखो, पेरेंट्स की प्रॉब्लम एकदम सही है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम कोई समझ नहीं रहा। छोटे से बच्चे क्लास 10th में, क्लास 9th की, क्लास 11th के बच्चे कोई बड़े बच्चे नहीं होते, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं ये। इनमें से बहुत कम बच्चे जो 18 प्लस है, सभी 18 साल से छोटे हैं, जो अभी तक गवर्नमेंट की नज़रों के अंदर बड़े हुए ही नहीं क्योंकि 18 प्लस हुए ही नहीं है, तो उनको इतना प्रॉब्लम में क्यों डालना, उनको मजबूर करना कि वो प्रोटेस्ट करे, वो लड़ाई झगड़ों पर आए। पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं, तो पेरेंट्स बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे, सारा कुछ पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे ही है, लेकिन प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रही गवर्नमेंट को। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले रही, लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हम कुछ नहीं बोलते, स्कूल की मर्जी वो करे, तो ये क्या मतलब है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है डिसीजन बनाना, स्कूल थोड़ा डिसीजन बनाएगी। तो गाइज मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आज लास्ट डे है, प्लीज़ जितना हो सके जल्दी गवर्नमेंट को यही प्रे कि जल्दी जल्दी गवर्नमेंट कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करे क्लास 9th और 11th के लिए। बाकी क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो गाइज टेंशन नहीं लेनी, सभी को मोटिवेट रहना है, हम सभी स्टार्टिंग से साथ में थे और अपने एंड भी साथ में ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है और आपको पता है कि जल्द कोई ना कोई डिसीजन अच्छा आने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आशा नहीं कर, फिर सेफ रहो।